तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को 10वीं कक्षा के साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन का सलूशन बताएंगे जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% पूछे जाएंगे। तो चले फ्रेंड्स, बिना समय गवाएं पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। है दोस्तों, आज का पहला सवाल कहता है कि एक प्रयोग द्वारा दिखलाइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। तो आसान शब्दों में आंसर लिख आइएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। इसे प्रयोग द्वारा दिखलाने के लिए गमले में लगा एक मणिहीन पौधा लेते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश का होना आवश्यक है। इसे प्रयोग द्वारा दिखलाने के लिए सबसे पहले हमें गमले में लगा एक मणिहीन पौधा को लेना पड़ता है, जिसके एक पत्ती के बीच में क्लिप की सहायता से काला कागज लगा देते हैं। अब उस गमले को कुछ देर के लिए सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं, तत्पश्चात यानी तुरंत उसके बाद उस पत्ती को काट लेते हैं, साथ ही साथ उसके अलावा एक अन्य पत्ती को भी काट लेते हैं और उसके परीक्षण करने के लिए आयोडीन के घोल में डाल देते हैं। तो हम पाते हैं कि जिस भाग पर काला कागज़ लगाया गया था उसके रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, अर्थात सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं हुई। और जिस भाग पर काला कागज़ नहीं लगाया गया था उसका रंग गाढ़ा नीला हो गया है, अर्थात सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हुई। अतः इस प्रयोग से हमें यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश काफ़ी आवश्यक है। आसान शब्दों में कैसे याद कीजिएगा, तो ऐसे याद कीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश काफ़ी ही ज़्यादा आवश्यक है। इसे प्रयोग द्वारा दिखलाने के लिए गमले में लगा एक मणिहीन पौधा लेते हैं, जिसके एक पत्ती में क्लिप की सहायता से काला कागज़ लगा देते हैं और उसे कुछ समय के लिए सूर्य के प्रकाश में छोड़ देते हैं, तत्पश्चात तुरंत उसके बाद उस पत्ती को काट लेते हैं जिसमें काला कागज़ लगाया गया था, उसके साथ साथ एक अन्य पत्ती को भी काट लेते हैं। अब उसका परीक्षण करने के लिए जब दोनों पत्ती को आयोडीन के घोल में डालते हैं तो हम पाते हैं कि जिस भाग पर काला कागज़ लगाया गया था उसका रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण उस पत्ती में प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न नहीं हुई। और जिस भाग पर काला कागज़ नहीं लगाया गया था उसका रंग गाढ़ा नीला हो गया है, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न हुई। अतः इस प्रयोग से हमें यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश काफ़ी ही ज़्यादा आवश्यक है। अगला सवाल कहता है कि यौन रोग या लैंगिक जनन संचरित रोग क्या है। आसान शब्दों में लिखिएगा कि वैसे रोग जो जनन अंगों की कुसंक्रियता, संक्रमण तथा अनैतिक यौन संबंधों से फैलता है उसे यौन रोग या लैंगिक जनन संचरित रोग कहते हैं। फिर से सुनिए, वैसे रोग जो जनन अंगों की कुसंक्रियता, संक्रमण तथा अनैतिक यौन संबंधों से फैलता है ना जी, उसे ही यौन रोग या लैंगिक जनन संचरित रोग कहते हैं। आशा करते हैं हमारे बातों को आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे कि इसका आंसर किस प्रकार से बताया जा रहा है। देखिए, उदाहरण के लिए सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, एड्स हो गया, ये सभी के सभी यौन रोग होते हैं। अगला सवाल कहता है कि माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार होता है, यानी मनुष्य के शरीर में यदि जब माँ के शरीर में बच्चा जो होता है उसका पालन पोषण किस प्रकार से पेट के अंदर होता है, वही आप सभी को बताना होगा। तो आसान शब्दों में लिखिएगा कि गर्भस्थ भ्रूण को माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, यानी गर्भवती महिला का जो बच्चों का जो भोजन मिलता है ना, वो माँ के खून के द्वारा उसका पोषण की क्रिया होती है। भ्रूणीय नाल रज्जु द्वारा मां के गर्भ से जुड़ा रहता है, जिसे पोषक तत्व और उससे ऑक्सीजन भ्रूण में पहुंचता रहता है। अब अगला सवाल कहता है एड्स रोग क्या है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है और आपके भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कहता है कि एड्स रोग क्या है, तो एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम है, जो HIV वायरस द्वारा होने वाला रोग है। इसमें रोगी की प्रतिरोधी तंत्र धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और व्यक्ति तरह तरह के रोग से पीड़ित हो जाते हैं। यह रोग संक्रमित दूध, संक्रमित आंसू, रक्त एवं अनैतिक यौन संबंध से फैलता है। आसान शब्दों में जानिए, देखिए एड्स को हम लोग AIDS इस प्रकार से लिखते हैं, ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यून, डी से डिफिशियंसी, एस से सिंड्रोम होता है।
जो HIV वायरस द्वारा HIV ह्यूमन इंडिफिशियंसी वायरस के द्वारा यह जीवाणु से द्वारा होने वाला रोग है। इस रोग में जो भी व्यक्ति इस रोग से पीड़ित होती हैं उनका धीरे धीरे प्रतिरोधी तंत्र समाप्त हो जाता है और व्यक्ति तरह तरह के बीमारियों से परेशान हो जाता है, पीड़ित हो जाता है और बताया यह जाता है कि 6 महीने के अंदर अंदर उसकी मृत्यु होना तय हो जाती है। यह जो रोग है ना जी, संक्रमित दूध हो गया यानी खराब दूध, संक्रमित रक्त और संक्रमित आंसू एवं अनैतिक यौन संबंधों से फैलता है। अनैतिक यौन संबंध क्या होता है, अच्छा आशा करते हैं आप सभी अच्छी तरीके से जानते होंगे। अब अगला सवाल कहता है कि जनन हार्मोन के क्या कार्य हैं। आसान शब्दों में लिखिएगा कि जनन हार्मोन के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। उसके बाद में रोमन नंबर 1 में लिखना होगा कि यह मादा के अंडाणु और नर के शुक्राणु को नियंत्रित करता है। यह द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को उत्प्रेरित करता है। ये होते हैं जनन हार्मोन की कार्य। उसके बाद में कहता है कि जनन स्वास्थ्य क्या है। दोस्तों, वे शारीरिक एवं मानसिक दशाएँ जो सम्मिलित रूप से नर अथवा मादा की जनन क्षमता को प्रभावित करती है उसे ही जनन स्वास्थ्य कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि क्या आप कुछ कारण सोचकर बता सकते हैं जिसे यह पता चलता हो कि जटिल रचना वाले जीव पुनर्उद्भवन द्वारा जीव संतति उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो आसान शब्द में लिखिएगा कि पुनर्उद्भवन केवल विशिष्ट कोशिका द्वारा संभव होते हैं। जटिल संरचना वाले जीव में अनेक प्रकार की कोशिकाएँ पाई जाती हैं जो अलग अलग कार्यों के लिए विभाजित होकर अलग अलग अंगों के निर्माण करती हैं। अतः जटिल संरचना वाले जीव में पुनर्उद्भवन द्वारा नई संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। अब अगला सवाल कहता है कि परिवार कल्याण या परिवार नियोजन क्या है। आसान शब्दों बताइएगा कि प्राकृतिक अथवा प्राकृतिक उपयोगों द्वारा विकास, समृद्धि एवं पर्यावरण के दृष्टिकोण से परिवार के आकार को सीमित करना परिवार कल्याण कहलाता है। परिवार नियोजन का ही नाम बदलकर परिवार नियोजन या परिवार कल्याण कर दिया गया है। अब अगला सवाल कहता है कि DNA प्रकृति प्रजनन में क्या महत्व है। DNA जिसका नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी अम्ल होता है, इसका प्रकृति प्रजनन करने में क्या क्या महत्व होता है, आइए जान लेते हैं। लिखिएगा कि DNA एक प्रकृति बनाने में विभिन्नताएँ उत्पन्न होती है और यही विभिन्नताओं से जैव का विकास होता है। DNA प्रकृति बनाने में कोशिका का विभाजन होता है जो प्रजनन के लिए काफ़ी ही ज़्यादा आवश्यक होता है। अब अगला सवाल आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला को देख लेते हैं। कहता है कि श्वसन क्या है। देखिए, श्वसन वह जटिल जैव प्रक्रम है जिसमें कार्मिक पदार्थों का चरणबद्ध तरीके से पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इस क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे हम लोग श्वसन कहते हैं। यहाँ पे आप सभी को ये समीकरण याद रखना बेहद जरूरी है जहाँ पे दिया गया है C6H12O6 जहाँ पे ग्लूकोज है, फिर 6O2 ऑक्सीजन गैस है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O यानी जल भी है, ऊर्जा भी है और ATP है। देखिए, श्वसन के 2 प्रकार होते हैं। एक होते हैं अवायवीय श्वसन तो दूसरा होते हैं वायवीय श्वसन। अब आइए जान लेते हैं मनुष्य में जो श्वसन तंत्र का निम्नांकित चित्र किस प्रकार से बनाया जाता है। इस प्रकार से श्वसन अंग का निर्माण करना चित्र बनाना आप सभी को आना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे सभी अंगों का नाम लिखे, ये नासिका है, ये ग्रसनी है, ये वाला ग्रसनी होता है, ये वायुकोष्ठ होता है, यहाँ पे फेफड़ा होता है, यहाँ पे डाइफर्म होता है जो नीचे की ओर होता है। इसके बाद में यहाँ पे श्वास नली, वायु नाल, कंठ नली लिख सकते हैं, नासिका यानी नाक लिख सकते हैं, अग्रसाइनक भी लिख सकते हैं। अब अगला सवाल कहता है कि हम अगरबत्ती का गंध का पता कैसे लगाते हैं। मनुष्य का आँख नाक अगरबत्ती को सूंघते ही बता देता है कि ये अगरबत्ती का गंध है। कैसे पता चलता है, तो लिखिएगा कि हमारे अग्र मस्तिष्क यानी हमारे मस्तिष्क में ग्रान नामक केंद्र होता है जो गंध से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त कर उसका विश्लेषण कर देता है। यानी मनुष्य के मस्तिष्क यानी दिमाग में एक ग्रान नामक केंद्र होता है जो गंध से संबंधित जो भी सूचना होता है उसको एकत्रित करके उसका विश्लेषण बता देता है। अब अगला सवाल कहता है कि भोजन किसे कहते हैं। देखिए, वे सभी पदार्थ जो जीव शरीर के अंदर अवशोषित होने के पश्चात कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्म, वृद्धि एवं विकास तथा समय जैविक क्रियाओं के संचालन में सहायक होते हैं उसे भोजन कहते हैं। अब दोस्तों, भोजन को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो भोजन को 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से वर्ग में, तो पहला है शरीर निर्माता जिसमें प्रोटीन और खनिज आते हैं, दूसरा है ऊर्जादायक जिसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा आता है, और तीसरा है नियंत्रक जिसमें विटामिन और खनिज आते हैं।
अगला सवाल कहता है कि पोषण क्या है, ये कितने प्रकार के होती हैं। तो देखिए, पोषण किसे कहते हैं, तो पोषण वह जटिल जैव प्रक्रम है जिसमें जीव किसी न किसी रूप में अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जो समस्त जैविक क्रियाओं के संचालन में सहायक होते हैं उसे पोषण कहते हैं। पोषण के दो प्रकार होते हैं, पहला होते हैं स्वपोषण तो दूसरा होते हैं परपोषण। आइए जान लेते हैं स्वपोषण के बारे में। तो दोस्तों, स्वपोषण क्या है, तो पोषण का वह जटिल जैव प्रक्रम जिसमें जीव किसी न अपना भोजन आवश्यक कच्चे पदार्थों के द्वारा स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं, और ऐसे जीव स्वपोषी जीव कहलाते हैं, जैसे सभी हरे पादप, शैवाल इत्यादि। दूसरा है परपोषण, तो पोषण का वह प्रक्रम जिसमें जीव अपना भोजन किसी न किसी रूप में अन्य पदार्थों या अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। देखिए, ऐसे जीव परपोषी जीव भी कहलाते हैं और स्वपोषी जीव भी कहलाते हैं। अगला सवाल कहता है कि अमीबा में पोषण क्रिया को समझाइए। तो आसान शब्दों में ऐसा लिखिएगा कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो कूटपाद के द्वारा भोजन को घेर कर खाद्य धानी में ले जाता है, जिसमें उपस्थित एंजाइम भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से करते हैं, और अनपचा भोजन कोशिका के सतह से चिपक जाता है और पुनः बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से अमीबा में पोषण की क्रिया संपन्न होती है। तो हे दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आशा करते हैं इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चनों का सलूशन हम आप सभी को बताए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। नए होंगे चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का वीडियो आप सभी को मिल सके। और आप भी हमारे वीडियो लेक्चर को देखकर मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में 90+ मार्क्स ला सके। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए VBI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।